आम्हा माझी नाही महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या कार्यकर्त्यांची मागणी मान्य केल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार। त्यांची देशाला महाराष्ट्राला राष्ट्रवादी काँग्रेसला गरज आहे आणि त्यांनी हा निर्णय त्यांचा बदलला आणि जनतेचं आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं मान्य केलं याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। सर्वजणांना प्रचंड आनंद झालेला आहे। अरे अजित पवार असतील आणि त्यानंतर धनंजय मुंडे आहे ते देखील सगळे सगळीकडे असू शकत नाही। सकाळी त्यांनी त्यांची जबाबदारी जी होती त्याप्रमाणे बैठकीत भाग घेतला, पवार साहेबांच्या घरी जाऊन चर्चा केली, त्यानंतर सगळेच गेलेले होते। मीही मला मगाशी अचानकपणाने कळलं की आत्ता पत्रकार परिषद आहे, त्यामुळं मी आत्ता त्या मीटिंगला आत्ताच आलो, मला यायला उशीर झाला आहे तुमच्याही लक्षात आलं असेल। त्यामुळे साहेबांची पत्रकार परिषद होती, आमच्या कुणाची नव्हती, फक्त पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून मला निमंत्रण होतं म्हणून मी आलो। उत्तराधिकारी असावा असं शरद पवार साहेबांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलेलं आहे, नेमकं उत्तराधिकारी आणि कुणी तयारी करणार? उत्तराधिकारी असा विषय शब्द त्यांनी वापरलेला नाही। त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की पक्षाची जबाबदारी पुढं अधिक चांगल्या पद्धतीनं काम करण्यासाठी आम्ही संघटनेकडे अधिक लक्ष देऊन भविष्य काळात चांगल्या पद्धतीनं अधिक चांगल्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू। जयंती हिंदी में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान रखा गया है और बाकी उन्होंने बहुत सारी बातें करी, जिस तरह से कहा कि कोई रिफ्ट नहीं है एनसीपी में, क्या कहेंगे? बराबर है, उन्होंने कार्यकर्ताओं की, देश के कार्यकर्ता नेता अलग अलग नेताओं ने भी उनको रिक्वेस्ट की, महाराष्ट्र में तो कोई सवाल नहीं उठता, सारे लोगों ने उनको आग्रह किया और उन्होंने सभी का आग्रह, आज दोपहर में हम जब उनके घर गए थे तब हमारे 23 जन को जो राष्ट्रीय कमी समिति बनाई गई थी हम सब ने जाके उनको कंपेल किया कि ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए और राष्ट्रवादी के लिए काम करना पड़ेगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, जब रेजिग्नेशन दिया था तब अजीत पवार जी मौजूद थे, आज रेजिग्नेशन विड्रॉ किया तो कहीं ना कहीं अजीत पवार नहीं दिखे, क्या वजह लगती है? क्योंकि रेजिग्नेशन विड्रॉ करने का आग्रह करने के लिए अजीत पवार थे, हम सब अजीत पवार और हम सारे लोग पवार साहब के घर बैठे थे। अब जब रिजोल्यूशन सुबह पार्टी ऑफिस में निर्णय लेने के बाद, राष्ट्रवादी के पार्टी में निर्णय होने के बाद उनके घर जाए तभी वो वहाँ मौजूद थे। हम भी, मुझे भी मालूम नहीं था कि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे बताया गया तो मुझे आने को थोड़ी देर लगी, 2 मिनट लेट आया, और सबको बताया नहीं गया था, उन्होंने निर्णय किया अभी डिसाइड करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ आके आप निर्णय घोषित किया। उत्तराधिकारी की तलाश जारी, उत्तराधिकारी पर जोर दिया है कि आने वाले समय उत्तराधिकारी की तलाश नहीं है, उन्होंने कहा है कि पार्टी सब लोग कार्यकर्ता मिलकर तय करते हैं कि उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, मैं निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, लोग जिनके साथ है, जो लोग जिनको सपोर्ट करेंगे वो slowly and steadily he will take over। आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास।